नमस्कार दोस्तों वेलकम टू स्विंग ट्रेड इस वीडियो में हम बात करेंगे बाजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी के बारे में आज के दिन में ये स्टॉक में भारी गिरावट देखने को मिला है सात परसेंट तक का स्टॉक में गिरावट देखने को मिला है उसका पीछे का रीजन भी समझेंगे और ये स्टॉक में कौन सा लेवल पर हमें एंट्री लेना चाहिए अगर इसमें हमें स्विंग ट्रेड के लिए लेना चाहिए तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहिए तो कौन सा लेवल पे एंट्री लेना चाहिए उसके बारे में भी बात करेंगे वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अगर आप इस चैनल पर नया है चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए उसके साथ में बेल आइकन बटन को भी प्रेस करके रख लीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सकता है चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ दिन पहले आज के मार्केट में तो आज के दिन में मार्केट में मार्केट प्रेशर में था उसके बावजूद भी आज भी हमारे पोर्टफोलियो में ऐसा स्टॉक था जो कि आज देखने को मिला अच्छा ग्रीन में क्लोजिंग होते हुए और अच्छा रिटर्न देते हुए देखने को मिला है। उस स्टॉक का नाम है जस्ट डाइल हमने बहुत पहले से ये स्टॉक में पोजीशन बना के रखा हुआ है चार मार मौन, महीना हो चुका है और आज के दिन में ये स्टॉक में देखिए आज एक दस परसेंटेज का रैली देखने को मिला है ठीक है और इसका टारगेट क्या है अगर आपके पोर्टफोलियो में अगर ये स्टॉक है तो टारगेट जाके जरूर वहाँ पे देख लीजिएगा फ्रेंड्स ठीक है अभी चलिए बात करते हैं यहाँ पे बजाज होल्डिंग कंपनी के बारे में यहाँ पर अगर हम बात करेंगे बजाज कंपनी होल्डिंग के आज स्टॉक में भारी प्रेशर में था यहाँ पे बजाज होल्डिंग में आज के दिन में भारी एक प्रेशर में स्टॉक था देखिए कुछ दिन पहले ये स्टॉक में इतना बड़ा वॉल्यूम आया उसके साथ में स्टॉक में बहुत हेवी बाइंग हुआ था उसके साथ में स्टॉक का प्राइस यहां पे 6500 तक जा चुका था उस टाइम पे काफी सारे फ्रेंड्स का ये सवाल आ रहा था कि ये स्टॉक में हमें कब एंट्री लेना है इसका फिफ्टी टू वी क्या है अगर लो की बात करेंगे थ्री का है यहाँ पे तो एक साल में डबल हो चुका है तो आप बोल रहे हो कि थर्टी का गेन का एक्सपेक्टेशन रखना है तो ऐसा स्टॉक अगर हमारे पोर्टफोलियो में लेके चलेंगे तो ऐसा हंड्रेड का गेन तो एक साल में जाएगा वो बात सही है फ्रेंड्स बिल्कुल सही है लेकिन ऐसा कभी भी कोई भी स्टॉक में हम नहीं कर सकते हैं कि यहां पे 100 परसेंट का गेन आपको एक साल में मिल जाएगा छह महीने में मिल जाएगा ऐसा भी हो सकता है आपको वन मंथ में भी 100 परसेंट का गेन मिल जाए ठीक है लेकिन उसके साथ में कोई भी स्टॉक के साथ में है, आपको अगर सही लगता है कि कंपनी ठीक है ग्रेट कंपनी है और चीप वैल्यूएशन पे मिल रहा है आपको बढ़िया सा रिटर्न दे सकता है अगर सही टाइम पे एंट्री लेते हैं उसके साथ में स्टॉक को अगर होल्ड करके रखते हैं तो ही आपको रिटर्न मिलेगा क्योंकि ऐसा बजाज होल्डिंग कंपनी काफी दिन तक परफॉर्मेंस भी बिल्कुल नहीं किया था अगर आप देखेंगे तो पिछले का डाटा आपको पता चलेगा देखिए यहाँ पे जब बजाज फाइनेंस वगैरह स्टॉक में ऑल टाइम हाई लगा रहा था उस टाइम पे स्टॉक वहां पे बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया था ठीक है तो वहां पे बुक वैल्यू से नीचे भी स्टॉक ट्रेडिंग हो रहा था तो यहाँ पे कंपनी के बारे में अगर बात करेंगे सिक्सटी फोर थाउजेंड करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है तो उसके साथ में अगर हम बात करेंगे यहाँ पे उसके साथ में अगर स्टॉक का पी के बारे में बात करेंगे सिक्सटीन है और स्टॉक का जो है स्टॉक पूरा डेट फ्री कंपनी है उसके साथ में स्टॉक का ऑल टाइम हाई की अगर बात करेंगे सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड एट्टी फाइव नाइनटी एट स्टॉक का ऑल टाइम हाई है स्टॉक का भी ट्रेडिंग हो रहा है फाइव थाउजेंड एट हंड्रेड मतलब तो नियरेस्ट ऑल टाइम हाई के पास में स्टॉक ट्रेडिंग हो रहा है अगर इसका पुराना परफॉर्मेंस देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे कंपनी एक्चुअल एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मेन जो सोर्स है यहाँ पे सेल्स में इतना ज्यादा सेल्स में इतना ज्यादा नहीं है जो कि 96 करोड़ का ओनली सेल्स है लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे अदर इनकम में थाउजेंड करोड़ का अदर इनकम आया उसके साथ में कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर देखेंगे वन थाउजेंड फोर्टी करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिला है और उसी हिसाब से लास्ट चार क्वार्टर में देखिए क्या जबरदस्त नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड नाइन नाइन करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखने को मिला है और नेट प्रॉफिट बढ़िया से इंप्रूवमेंट हुआ है उसके साथ में पे पे अगर अगर हम हम बात बात करेंगे करेंगे बजाज बैलेंस बैलेंस शीट शीट में में रिजर्व में तो हमेशा ग्रोइंग होते जा रहा है अभी करोड़ का रिजर्व हो चुका है जो कि बहुत बढ़िया है रिजर्व में बहुत शानदार यहाँ पे ग्रोइंग हो रहा है उसके साथ में बोरोइंग देखिए कितना बोराइंग ओनली वन ट्वेंटी फाइव करोड़ का बोरोइंग है उसी के साथ में अगर हम बात करेंगे यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग का यहाँ पे प्रोमोटर के पास में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे फिफ्टी परसेंटेज प्रोमोटर के पास में होल्डिंग है बजाज ग्रुप का टोटल ग्रुप ऑफ कंपनी उसी के साथ में एफआई के पास में थर्टीन परसेंटेज का होल्डिंग है डीआई के पास में फोर परसेंटेज का होल्डिंग है और पब्लिक के पास में यहाँ पे जो थर्टी वन परसेंटेज का होल्डिंग हम देख रहे हैं ना तो यहाँ पे टेन परसेंट लगभग निकल जाएगा ओनली पब्लिक के पास में ट्वेंटी वन परसेंटेज का होल्डिंग है फ्रेंड्स इसी हिसाब से कंपनी में जिस हिसाब से तेजी आ रहा था उस टाइम पे तो काफी सारे फ्रेंड्स का ये सवाल था कि यहाँ पे स्टॉक में क्या करना चाहिए कौन सा लेवल पे बाइंग करना चाहिए मैंने उस टाइम पे भी बोला था कि स्टॉक को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए क्योंकि स्टॉक जब मोमेंटम में होता है ना स्टॉक में उस टाइम पे ट्रेडिंग होता है उस टाइम पे उस टाइम पे सही टाइम नहीं है कि मोमेंट मैं कभी मोमेंटम ट्रेडिंग नहीं करता हूँ आप सबको पता है मैं ओनली स्टॉक एक सही वैल्यूएशन पे जब मिलता है जब डिप्स में मिलता है उस टाइम पे बाय कर लेता हूँ स्टॉक का ऑल टाइम हाई तक स्ट्रेटजी का बेस पे उस स्टॉक में मैं होल्ड करके चलता हूँ और अपना टारगेट पे निकल जाता हूँ मेरा हमेशा स्विंग ट्रेड में यही स्ट्रेटजी होता है ठीक है नहीं तो मूविंग एवरेज टू हंड्रेड मूविंग एवरेज के नीचे बाय कर लेता हूँ नहीं तो यहाँ पे आर एस आई बेस पे यहाँ पे बिलो थर्टी पे अगर आर एस आई मिलता है उस टाइम पे भी बाय कर सकते हैं ऐसा कुछ स्ट्रैटेजी देख के अगर कोई भी स्टॉक में आप एंट्री लेते हैं ना तो आपको स्टॉक मार्केट में जिंदगी भर के लिए प्रॉफिट होगा और सही एक स्ट्रैटेजी के साथ में आपको चलना चाहिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि स्टॉक भाग रहे तो उसी के पीछे हम भी भागेंगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अगर ऐसा हम करेंगे स्टॉक मार्केट में हमें लॉस होगा हम बहुत जल्दी स्टॉक मार्केट से निकल जाएंगे ऐसा बिल्कुल मत कीजिए ठीक है अगर आपके पोर्टफोलियो में नहीं है अगर आप सोचते हैं कि स्टॉक में लेना चाहिए आपको पोजीशन बनाना चाहिए मेरे हिसाब से ये जो स्टॉक है तो यहाँ पे बिल्कुल ये एक लेवल तक आ सकता है आप अगर देखेंगे यहाँ पे एक स्ट्रांग सपोर्ट जोन है ठीक है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक स्ट्रांग सपोर्ट जोन है देखिए कितना दिन से स्टॉक ने यहाँ पे एक बार सपोर्ट बनाया था उसके बाद में यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे भी एक सपोर्ट बनाया है उसके साथ में देखिए यहाँ पे भी कितना सारा कैंडल बनाया है कितना कैंडल है तक ने इस पे पे एक बनाया। तो इस हिसाब से स्टॉक ने बिल्कुल यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है ठीक है आपको अगर इसमें पोजिशन बनाना है तो ये एक लेवल है जो कि फाइव थाउजेंड थर्टी का लेवल है तो वहां तक बिल्कुल आप इंतजार कर सकते हैं कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है स्टॉक में हमेशा अपॉर्चुनिटी आता रहेगा ऐसा नहीं कि अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से निकल जाएगा जिंदगी भर के लिए स्टॉक मार्केट में अपॉर्चुनिटी रहेगा ये स्टॉक में नहीं रहेगा तो दूसरा स्टॉक में रहेगा स्टॉक मार्केट में कोई स्टॉक का कमी है क्या बिल्कुल भी नहीं है ठीक है ऐसा सारे स्टॉक ऐसे सारे फेवराइट होता है ठीक है लेकिन सही टाइम पे एंट्री लेना है और सही टाइम पे प्रॉफिट बुकिंग करना है यही अगर आप सीखे ना स्टॉक मार्केट में जिंदगी भर के लिए आप पैसे कमाएंगे ठीक है तो यहाँ पे मेरे हिसाब से आपको ये फाइव जीरो डबल फोर का जो लेवल है तो इस लेवल तक आपको इंतजार करना चाहिए मेरे हिसाब से अगर स्टॉक का उस लेवल तक आता है तो वहां से कितना परसेंटेज और करेक्शन मांगता है स्टॉक में और एक ग्यारह परसेंटेज का करेक्शन अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा स्टॉक में तो यहाँ पे इस लेवल तक अगर स्टॉक आ जाता है तो उस टाइम पे आपको इमीडिएटली जिटिटेटर लगा के रखिए जिटिटेटर कैसे लगाते हैं बाय की साइड पे आपको अगर पता नहीं है स्टॉक मार्केट में आप न्यूली एंटर किए मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे बिल्कुल ये प्ले लिस्ट वाला वीडियो में जाइए नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा जिटी ट्रेडर हम कैसे सेट करते हैं ठीक है थीके? आपको बाय के साइड में जिटी ट्रेडर लगाना है सेल के साइड में नहीं है सेल के साइड में हम तब लगाते हैं जब टारगेट अचीव होता है तो उस टाइम पे सेल के सेल के साइड में लगाते हैं जब हमने बाय कर लिया उसके बाद में हमें सेल करना है तो हमें जिटी ट्रेडर सेल पर लगाना है अभी क्या करना है जिटी ट्रेडर बाय पर लगाना है तो बाई पे जब जिटेटर लगाएंगे तो जिस टाइम पे आप अगर कहीं पे प्रोफेशनल कहीं पे काम पे लगे होंगे कुछ दूसरा काम पे लगे होंगे उस टाइम पे स्टॉक का प्राइस इमिडिएटली आके वहां पे आपका बाइंग कर लेगा उसके बाद में आपका पोर्टफोलियो में आ जाएगा आपको मैसेज आ जाएगा जैसे देखिए यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की बात आएगा ठीक है मैं अभी आपको बोल रहा हूँ प्रॉफिट बुकिंग इसमें करना है सिक्स पे आपको उसमें जो जीटी टेटर लगाना है सेल के साइड में अगर आपने स्टॉक बाय कर लिया उसके बाद में सेल के साइड में आपको लगाना है तो वहां पे अपने जीटी ऑर्डर वहां पे लगाएंगे सेल के साइड पे लगाएंगे जीटी ऑर्डर सेल सेलेक्ट करेंगे वहां पे जो प्राइस देंगे सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड एट्टी का अपने ट्रिगर प्राइस देना है और वहाँ पे प्राइस एक दो रुपये नीचे दे दीजिए सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड सेवेंटी एट पर दे दीजिए तो वहाँ पे आपका ट्रिगर हिट हो जाएगा तो वहाँ पे सेल हो जाएगा आपको एक मैसेज भी आ जाएगा सेम ऐसे ही बाइंग में करना है तो यहाँ पे जो बाइंग करना है स्टॉक आपको 5,044 पे आपको बाइंग करना है और उसका टारगेट लेके चलना है 6,580 तक का और वहाँ तक का अगर आप टारगेट लेके चलते हैं आपका सिक्स मंथ्स में आपका टारगेट अचीव हो सकता है एक थर्टी परसेंटेज का गेन भी मिल सकता है अगर हम आर की बात करेंगे उस लेवल तक स्टॉक जब आ जाएगा तो उस टाइम पर वो लेवल हमारा आ जाएगा थर्टी थ्री तक वो लेवल आ सकता है ठीक है अभी का अगर आर की बात करेंगे आर का लेवल जो है अभी फिफ्टी पे तो अभी आर के हिसाब से बाइंग का सिग्नल बिल्कुल भी नहीं है उसके बाद में अगर उस चीज की बात करेंगे उसके बाद में आप मूविंग एवरेज भी देखिए यहाँ पे मूविंग एवरेज यहाँ पे एक फिफ्टी का हंड्रेड ए का मूविंग एवरेज है रेड कलर का लाइन है तो ठीक है वहां पे हंड्रेड ए का मूविंग एवरेज के नीचे भी आ जाएगा तो एक बढ़िया सा वैल्यू बाइंग आपके लिए हो सकता है स्टॉक में इस लेवल पे अगर ये सारी चीज आपको सीखना है ना आप बिल्कुल फ्री में सीख सकते हैं कहीं पे कुछ इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा अगर टाइम देंगे तो ये सारी चीज फ्री में सीख सकते हैं कैसे सीखेंगे पे वाला पोर्टफोलियो यहाँ पे प्ले लिस्ट बनाया हुआ है यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस का प्ले लिस्ट बनाया हुआ है यहाँ पे जाइए आप बिल्कुल आप फ्री में सीखेंगे ठीक है यहाँ पे जाने के बाद में यहाँ पे सारे वीडियो है ठीक है मैं कैसे यहाँ पे चार्ट एनालाइज करता हूँ कैसे यहाँ पे कैसे मैं यहाँ पे ये हंड्रेड डे का मूविंग एवरेज सेट करता हूँ यहाँ पे हंड्रेड डेज उसके साथ में कैसा कलर कॉम्बिनेशन कैसे सेट करता हूँ उसके साथ में टू हंड्रेड डे का मूविंग एवरेज कैसे सेट करता हूँ कलर कॉम्बिनेशन कैसे सेट करता हूँ वो सारा चीज यहाँ पे मैंने समझाया हुआ है ट्रेडिंग व्यू में कैसे लॉग इन करना है कैसे क्या करना है सारी चीज़ समझाया हुआ है ये वीडियो आप ज़रूर देखिए एक बार नहीं तो दो बार देखिए सपोर्ट कैसे सिलेक्ट करते हैं कैसे रेजिस्टेंस शो करते हैं उसके साथ में टिकट टिप का कैसे यूज करते हैं उसके साथ में स्विंग ट्रेड स्टॉक में कैसे सिलेक्शन करता हूँ ठीक है अगर हंड्रेड अगर आपको वन करोड़ का पोर्टफोलियो बनाना है वन करोड़ अगर आपको वो बनाना है तो आपको कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और टेक्निकल एनालिसिस कैसे करना है मूविंग एवरेज पे हम कैसे पैसे कमा सकते हैं इजीली और आरएसआई पे कैसे हम पैसे कमा सकते हैं इजीली और स्क्रीनर में किस मल्टीपैगर स्टॉक को कैसे एनालाइज करना है उसके साथ में हमें अभी रिजल्ट का सीजन चल रहा है रिजल्ट कौन सा दिन में कैसा रिजल्ट आ रहा है कैसे हमें देखना है मनी कंट्रोल में जाके ये सारा चीजें आप यहीं से आके सीख सकते हैं लेकिन आपको करना क्या है थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा आपको आपको बिल्कुल थोड़ा सा टाइम अगर देंगे तो आप बिल्कुल यहाँ पे आके इजीली सीख सकते हैं म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे कौन सा स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करेंगे कौन सा म्यूचुअल फंड आपको सिलेक्ट करना है कैसे एक अच्छा सा म्यूचुअल फ़ंड सिलेक्ट करना है उसके साथ में हमें ट्रेडिंग जर्नल कैसे मेंटेन करना है एक्सेल शीट में प्रॉफिट बुकिंग के लिए और प्रॉफिट होने के बाद में कहाँ पे एंट्री करना है वो सारा चीज़ सिखाया हुआ है आपको वो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम दे सीखना है अगर आप उतना टाइम नहीं दे सकते हैं अगर आप बिजी हैं दूसरा काम पे तो बिल्कुल आप मेरे साथ में जुड़ सकते हैं यहाँ पे व्हाट्सअप का नंबर मैं आपको दे देता हूँ तो इस नंबर पे आप मेरे साथ में कांटेक्ट कर सकते हैं जो कि इजीली आप एक कस्टमाइज करके आप मेरे साथ में जुड़ सकते हैं मैं वहाँ पे वीकली चार्ट आपको शेयर करूंगा तो उस हिसाब से आपको टारगेट प्राइस भी मिल जाएगा कौन सा लेवल पे बाइंग करना है वो सब मिल जाएगा तो उस हिसाब से हमें थर्टी परसेंट का गेन तो साल में बन जाएगा ठीक है आप बोलेंगे थर्टी परसेंट गेंद में क्या होता है थर्टी परसेंट गेंद में बहुत अच्छा पैसा बनता है फ्रेंड्स एक बार आप खुद ट्राई करके देख लीजिए थर्टी परसेंट में कितना परसेंटेज आपको गेन मिलेगा अगर हम स्विंग ट्रेड में थर्टी परसेंट अगर हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं ना एक वन लाख अगर हम, हमारा पोर्टफोलियो है नहीं तो अगर किसी का पोर्टफोलियो पांच लाख का है ठीक है सपोज किसी का पांच लाख का पोर्टफोलियो है थर्टी परसेंट का हिसाब से अगर वो दस साल के लिए अगर हम चलते हैं दस साल में कितना वेल्थ बनता है एक बार देख लीजिए पांच लाख से हमें ऐसा नहीं कि हंड्रेड परसेंट यहाँ पे मार्केट के साथ में रहना नहीं स्विंग ट्रेड में ऐसा रहने की जरूरत नहीं है आप बिल्कुल दूसरे काम के साथ में कर सकते हैं, यहां पे फाइव का आपका के चल रहे हैं। तो यहाँ पे सिक्सटी एट लाख बन रहा है, रहा है।, तो बन है आपका फोर्टीन टाइम्स ग्रो हो रहा है उसी के साथ में है, अगर आपका पोर्टफोलियो अगर आप ट्वेंटी ईयर्स के लिए ले लेते हैं कॉन्सिस्टेंसी के साथ में आपको कैसे प्रॉफिट बुकिंग करना है कौन सा लेवल पे एंट्री लेना है कौन सा लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग करना है कौन सा स्टॉक को सिलेक्शन करना है ये सारा चीज से सीख समझ के अगर कंसिस्टेंसी के साथ में करेंगे बहुत अच्छा पैसे बनेगा पांच लाख से आपका कितना बन सकता है देखिए बहुत बड़ा एक अमाउंट बन सकता है आपका ठीक है लेकिन सही टाइम पे आपको एंट्री लेना है पांच लाख से आपका कितना बन रहा है नाइन करोड़ फिफ्टी लाख आपका बन रहा है एक जबरदस्त आपका अमाउंट बन सकता है लेकिन सही टाइम पे एंट्री लेना है सही टाइम पे प्रॉफिट बुकिंग करना है इंटर डे चक्कर में नहीं पड़ना है अगर हमें पता नहीं है तो उसके साथ में हमें फिर बोरोइंग मनी से कभी भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है जितना सरप्लस मनी है उसी पे इन्वेस्टमेंट करेंगे अगर स्टॉक थोड़ा सा पांच दिन दस दिन एक महीना कंसोलिडेशन में चला जाए तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए हम तो लोन लेके नहीं कर रहे हैं ना और स्टॉक का आर सही होना चाहिए उसके साथ में लो डेट कंपनी होना चाहिए उसके साथ में प्रोमोटर का होल्डिंग सही होना चाहिए और सही एक वैल्यूएशन पे आपको मिलना चाहिए सारे स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग होना चाहिए ठीक है ये सारा चीज सीख समझ के करिए आपको जिंदगी भर पैसे कमा सकते हैं स्टॉक मार्केट से ऐसा कोई भी यहाँ पे ये यह नहीं है कि आप नहीं कमा पाएंगे जिंदगी भर के लिए आप कमा सकते हैं कंसिस्टेंसी के साथ में कमा सकते हैं ठीक है फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आया वीडियो को जरूर लाइक कीजिए आपका एक लाइक मेरा मोटिवेशन बिल्ड करता है आप लाइक नहीं करते हैं फ्रेंड्स आप लाइक जरूर कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए उसके साथ में फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कीजिए अगर चैनल पे नया है चैनल को भी बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं फ्रीली ठीक है अगर आप मेरे साथ में जुड़ना चाहते हैं यहाँ पे व्हाट्सअप का नंबर दिया हुआ है आप मेरे साथ में जरूर जुड़ सकते हैं फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मिलते हैं नया एक वीडियो के साथ में